अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। पिता रेलो आए हैं जी, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है। हस्बैंड जा रहे हैं पाकिस्तान, तो बस उसी के लिए जो है ना शॉपिंग वगैरह में लगे हुए हैं कुछ टाइम से। तो बस ये जो होती है ना इस तरह की चीज़ें, मुझे लगता है एंड टाइम तक जो है ना कुछ रह जाता है। जितना मर्ज़ी याद कर करके जाओ आप, लो चीज़ें, लेकिन रह ही जाता है कुछ ना कुछ। तो बस उसी के लिए जो है ना हम यहाँ पर आए हैं वापस पिता रेलो। और मैं यहीं एंट्रेंस पर जो बैग्स वगैरह की है ना साइड, मैं यहीं रुकी हुई क्योंकि हस्बैंड को लेने हैं शूज़, कुछ जेंट्स शूज़ लेने उन्हें, तो वो जो है ना उसके लिए गए हैं देखने। तो मैंने सोचा वहाँ पे मेरा क्या काम है, कुछ लेडीज़ होता तो मैं भी चली जाती, लेकिन जेंट्स शूज़ देखने उन्हें, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे अपने काम की चीज़ें देखती हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं बस साथ आ जाती हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे जो है ना देख रही थी स्ट्रॉलर और ये पाउच वगैरह, क्लच या पाउच जो भी बोलते हैं उसको, तो काफ़ी अच्छे मतलब ना फैंसी से थोड़े से जैसे लगे हुए, और कलर्स बहुत मज़े के लगे मुझे ना उनके। और साथ में ये स्ट्रॉलर भी बहुत अच्छे, प्राइस थोड़ी सी है 9 यूरो, 10 यूरो, 11 यूरो, 12 यूरो, मतलब डिफरेंट प्राइजेज हैं। स्टाइल डिफरेंट के हिसाब से उसकी जो है ना प्राइस भी डिफरेंट है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके कलर्स जो है ना बहुत मज़े के, गर्मी के हिसाब से स्पेशली कलर इसका जो है ना सारे मतलब मिक्स से कुछ कलर थे, ये भी कलरफुल था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद जो है ना मैं बैग्स वगैरह देखने आ गई, क्योंकि हम लोग मेरे ख्याल से कुछ एक महीने से लगे हुए हैं ये शॉपिंग शॉपिंग के चक्कर में, एक महीने से या 15-20 दिन से तो तकरीबन, तो 2 से 3 बार तकरीबन, 3 से 4 बार बल्कि हम लोग जो है ना यहाँ पितारेलो में आ चुके हैं। तो कोई भी इतनी कोई ख़ास जो है ना चेंज नहीं है, कोई वैरायटी नई नहीं आ रही है, ना ही शूज़ में और ना ही बैग्स वगैरह की। तो कुछ ये थोड़े बहुत जो है ना आज मुझे लगे कुछ थोड़े से जो है ना डिफरेंट आए हुए हैं बैग, डिफरेंट भी मतलब के बीच के कुछ, ये जो पीछे दो तीन बार आए हैं ना हम, तो उससे कुछ डिफरेंट लगे, लेकिन ये बैग्स हैं बहुत पहले के। बस मुझे लगता है ये चेंज कर करके रखते रहते हैं, कुछ टाइम कुछ रखते हैं, वो हटा देते हैं डिस्प्ले से, फिर कुछ और रख देते हैं, तो बस उस तरह से हैं, क्योंकि सारे बैग्स पहले देखे हुए हैं और वाइट में नहीं है। मैं अभी ये देख रही थी वाइट में इतने सारे हैं, मुझे कुछ महीने, मुझे मेरे ख्याल से 5-7 महीने पहले जो है ना पाकिस्तान गई थी मैं जब, तो तब मैं वाइट कलर का बैग ढूंढ रही थी, और यहाँ पर भी मैं आई थी 2 बार आई थी, बल्कि यहाँ मुझे नहीं मिला, और इस बार जो है ना काफ़ी वैरायटी मिली। और आगे कपड़ों की साइड पर आई तो यहाँ पर सब जो है ना सर्दी के कपड़े गर्म निकल चुके हैं। हालांकि अभी मतलब ये अगस्त का मंथ चल रहा है, अभी जाके कहीं सितंबर के एंड में थोड़ा मौसम यहाँ पे चेंज होना शुरू होता है, लेकिन मोटे कपड़े, जैकेट्स वगैरह, हुडीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे इस मार्केट में तो आ चुकी हैं पितारेलो में, बाकी अभी नहीं मैंने कहीं देखा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना गर्म जैकेट्स वगैरह लग चुकी हैं। तो जी वहाँ से जो कोई एक दो चीज़ें लेनी थी हस्बैंड को वो लिया, वहाँ से हम लोग आए हैं क्या भी, क्योंकि यहाँ से भी लेने हैं बच्चों के कपड़े, अपने लिए नहीं, जो के मतलब पाकिस्तान जाना है क्योंकि, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं कुछ घर में उनके लिए लेने हैं कपड़े, कुछ ससुराल में हैं, कुछ जो है मेरी अपनी फैमिली में हैं, तो बस उनके लिए कपड़े शपड़े लिए। शॉपिंग हमने वैसे कर ली है, जो भी लेने थे ले लिए हैं कपड़े, बच्चों के ही चाहिए थे कुछ 7-8 ड्रेसेस, तो वो लिए हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हस्बैंड जो हैं काउंटर पे लाइन में लगे हुए थे, तो मैं यहीं काउंटर के पास में ये ज्वेलरी का जो है लगे हुए हैं स्टैंड, तो मैं यहाँ पे खड़ी होगी। बहुत अच्छी ज्वेलरी है, प्यारी ज्वेलरी होती है यहाँ पे भी, लेकिन मैं देख रही थी ये कि कुछ टाइम पहले मैंने शीन से ऑर्डर की हैं, तो काफ़ी रीज़नेबल जो है उनकी, काफ़ी प्राइस रीज़नेबल है और क्वालिटी अच्छी है। ये नहीं कि प्राइस अगर कम है तो कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल सेम मतलब जो ज्वेलरी यहाँ पर ये देखने में, ये इस तरह के सारे इसी स्टाइल में, इस किस्म के स्टाइल में ना सारे उधर शीन पर भी लगे हुए थे। और ये देखें ये 699 इसकी एक प्राइस है, और वहाँ पे इस तरह के इयररिंग्स की प्राइस मैक्सिमम है 2.5 यूरो, 2 यूरो 30 सेंट, या मैक्सिमम 2.5 यूरो, तो काफ़ी रीज़नेबल वहाँ से, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ बेस्ट रहती है, सस्ती भी मिल जाए आपको और अच्छी भी मिल जाए, क्वालिटी भी अच्छी हो, तो चल जाता है। उसके बाद जो शॉपिंग वगैरह जो भी थी वो कर लिया हमने, कपड़े मैं पूरे ओपन नहीं करूँगी, जाहिर है जहाँ पे जाने हैं ये जिनके हैं वो खुद ओपन करें, खुद ही देखेंगे, वही अच्छी बात है। तो बच्चों के जो लेने थे कपड़े वगैरह लेके हम लोग वहाँ से निकले, तो हम आए हैं यहाँ पे अभी बाउंसेस पे, तो बच्चों को सोचा चलो एक आध बार थोड़ी आउटिंग हो जाए, बस जाने वाले हैं हस्बैंड, तो फिर खैर से जब वापस आएंगे फिर ये सब शुरू होगा, तब तक तो अब घर में ही रहना बच्चों के साथ। तो जो है ना यहाँ पे हम लोग आए हैं, हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, हमारा टर्न अभी नहीं आया क्योंकि ये 1 घंटा होता है इसका टाइम। तो यहाँ पे मैं भी इरफान के साथ अंदर जाऊँगी, उन्होंने ये स्पेशली हमें जो ये होती है ना स्लिप नाउ सॉक्स, ये वाले सॉक्स दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर ये जंप वगैरह और ये सारा इस तरह का है कि उस पर स्लिप हो सकता है, नॉर्मल सॉक्स या आप ऐसे भी बगैर सॉक्स के जाओ
तो यहाँ हम लाइन में लग गए थे क्योंकि पहले वाले जो लोग हैं सब पहले वाले जो भी अंदर थी टीम पूरी वो बाहर निकली और हम लोगों को अंदर आना था, तो बस वहाँ पे वेट किया और 5 मिनट के बाद हम लोग अंदर आ गए। और यहाँ पे अंदर आते ही जो है ना सारा ये है जंप वगैरह करने के लिए और एक्सरसाइज कर लो या मतलब बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे जिस चीज़ में खुश हों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लेकिन इरफान को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये जो है ना उसमें वो स्पंज पड़े हुए थे ना फॉर्म, तो उसके अंदर वो जा जा के गिर रहा था। तो मैंने अभी इसको मैं फिर यहाँ लाई, मैंने कहा यहाँ उछलो, इसको बड़ा मज़ा आता है। घर में पूरा दिन इसको जो है ना बार बार बोल के बेड से नीचे उतारना पड़ता है, बेड पे बहुत जंप करता है ये ना, तो वो फिर डर भी लगता है वहाँ से, रहता है कि गिर जाएगा, गिर भी जाता है, कई बार गिरा है वहाँ से। लेकिन बस वही है, बच्चे कहाँ असर करते हैं किसी चीज़ का। तो थोड़ा बहुत जो है ना मैं उसको ले लेके हर जगह घूम रही हूँ, वहाँ से हम लोग आए, ये स्लाइड्स वगैरह ये एक दो लगी हुई हैं यहाँ पे, मैं उसको लेके ये जो गोल वाली है ना मैंने इसको वहाँ भेजा कि इसके अंदर से आओ ना आप, यहाँ स्लाइड लो, मैं सामने खड़ी हूँ, आप यहाँ से आओ। तो वो ऊपर जाके आवाज़ें दे रहा कि नहीं मुझे इसमें डर लग रहा है, मुझे नहीं वहाँ जाना। तो फिर मैं भी उसके साथ आई, तो ये जो सीधी सीधी सी स्लाइड है ना आराम से जो ले सकें मैं भी ले सकती, वो मैंने ली उसके साथ। मैंने सोचा चलो अब आई हूँ जब तो मैं भी थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ। तो ज़ियान नहीं आया, ज़ियान और उसके बाबा बाहर ही वेट कर रहे हैं, वेटिंग में ही बैठे हुए हैं क्योंकि बच्चे 3 साल के ऊपर जो है ना अलाउ हैं, 3 साल से छोटे बच्चे को नहीं यहाँ अलाउ किया उन्होंने आना। तो बस वो दोनों बाप बेटा बाहर बैठे हैं वेट कर रहे हैं हमारा, और हम लोग यहाँ पे जो है ना 1 घंटा टाइम गुजारना है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यही था कि चलो अफान भी खेल रहा है तो थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी सी जो मैं वीडियो बना सकी वो बनाई। और ये देखें ये फिर से घूम के यहीं आ गए, यहाँ जंप करने को मैंने इसको बोला और ये फिर वहीं गया घूम के, मुझे ये फॉर्म में जो है ना मुझे इसके अंदर ही जाना है। तो बस थोड़ी देर खेला कूदा यहाँ से और उसके बाद जो है हम लोग घर आए, और घर आते आते क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, ऐसे ही बस शॉपिंग वगैरह के लिए निकलो तो 1.5-2 घंटे का तो पता ही नहीं चलता। तो बस वहाँ से फिर हम लोग ये बाउंसेस पे भी चले गए, वहाँ थोड़ा बहुत खेला कूदा, 1-1.5 घंटा हमारा वहाँ पे गुजर गया। वहाँ से फिर आए जो हमारे गली में ही है पिज़्ज़ा शॉप, ये बड़ी सहूलत है इसकी कि बिल्कुल पास है घर, घर से जो है ना अगर हम वॉक करें ना तो कुछ 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, घर से नज़र आती है ये सामने यानी। तो यहाँ पे आए, यहाँ से हम लोगों ने जो है सोचा घर से बाहर से ही खा के जाते हैं अब घर जाके इस वक्त, क्योंकि टाइम भी नहीं है कुछ बनाएं या कुछ खाएं फिर। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और फ्राइज़ लिए हैं बच्चों के लिए, और साथ में एक चिकन जो पिज़्ज़ा की सारी ऊपर वो टॉपिंग होती है ना वो सारी एक उसकी अलग से प्लेट मिलती है सैलड के साथ। ये ज़ेहान को यहाँ पे फ्राइज़ पर वो खा रहा था तो उसको वो गर्म लगी, इसलिए ऐसे जो है ना थोड़ा वो हाथों से कर रहा था कि जैसे उसको बहुत गर्म फील हुई है। तो खैर अब ठंडा ठुंडा करके उसको भी खिलाते हैं, साथ में खुद भी खाना खाते हैं। और इसके बाद हमारा यहीं से प्लान है, यहीं पे जहाँ जितना हमारे घर से डिस्टेंस है ना ये पिज़्ज़ा शॉप का, इतने ही डिस्टेंस पे ना साथ इससे आगे एक आइसक्रीम शॉप है। तो हमारा ये प्लान था कि चलो अब बाहर निकले, आज जो है ना अच्छी खासी आउटिंग हो ही गई है तो उसको ठीक से जो है ना इंजॉय करते हैं। तो यहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह खा के खाना शाना अपना फिनिश करके उसके बाद खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो और ही मज़ा आता है, और अभी गर्मी है तो आइसक्रीम मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो बस ये खा के उसके बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे, वहाँ से आइसक्रीम लेके खाते खाते फिर हम लोग घर जाएंगे। और बस इसी के साथ मैं जो है ना अपनी आज की वीडियो एंड करूँगी, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।